उत्तरकाशी में एक बार फिर हुई बर्फबारी से जहां आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं पुरोला ब्लॉक के 8 गांव तरबड़ियार के स्थानीय ग्रामीणों के लिए गांव में पहुंचने में काफी परेशानी भी दिखाई दे रही है, जो कहीं न कहीं बर्फ अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। इसके साथ ही रास्तों में भारी बर्फ से जमा होने से रास्ता बंद होने की समस्या पैदा होगी, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बर्फीले पहाड़ी रास्तों से कई किलोमीटर पैदल चलकर घोड़ों खच्चरों से ढोकर जरूरी सामान का इंतजाम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पिछली बर्फबारी थी वो काफी हैवी थी, इस बार रेनफॉल और बर्फबारी का लेवल उस तरीके का नहीं है, तो हम लोगों ने उसमें लगातार वॉर फुटिंग पे काम किया। अभी भी हम लोगों की NH और BRO की मशीनरी मौके पे काम कर रही है, और कुछ जगह पाला प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी उसे रोका गया है। सिमिलरली हमारा जो लास्ट बर्फबारी थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स और वो काफ़ी टूटे, तो इस कारण से रेस्टोरेशन में उन्हें टाइम लगा था, लेकिन मैं पर्सनली उसे मॉनिटर करवा रहा हूँ और फ्लो चार्ट बनवाते हुए हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ को डिफाइन करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो प्रभावित गाँव है उन तक बिजली पहुँचाई जाए। आपको बता दें कि भारी बर्फबारी से उत्तराखंड के चारों ओर ही बर्फ से ढक चुका है। हालांकि सीमांत जिले उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र सरबड़ियार में इन दिनों जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बर्फबारी में राशन भी खच्चर से ले जाना पड़ रहा है। जिले के कई गांवों में अब भी पेयजल और विद्युत आपूर्ति भी ठप है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।